धरती पर तापमान बढ़ने के साथ ही बढ़ गया है भारत के ज्यादातर हिस्सों में जल संकट। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान समेत कई अन्य राज्य सूखे और जल संकट से त्राही त्राही कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने भी 10 राज्यों में सूखे की बात स्वीकार की है। देश के अखबार सूखे और जल संकट की खबरों से अटे पड़े हैं। ग्रामीण इलाकों में लोग पानी के लिए पसीना बहाने को मजबूर हैं, तो कहीं पानी के लिए खूनी संघर्ष की खबरें भी आ रही हैं। बर्फबारी के लिए मशहूर शिमला में भी एक बाल्टी पानी 100 रुपए का बिक चुका है। पानी को लेकर चारों ओर हाहाकार सुनाई दे रहा है। धरती का जल स्तर चिंताजनक स्तर तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र का लातूर जिला सर्वाधिक जल संकट झेल रहा है। यहाँ लोग घंटों कतार में लगकर पीने का पानी जुगाड़ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में पानी के लिए लोगों की रातों की नींद हराम हो गई है। टैंकरों से पानी तो आ रहा है लेकिन अपर्याप्त है। लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी ला रहे हैं। मैं एक बार चुक में रहता हूँ, यहाँ से डेढ़ दो किलोमीटर है। 6 बजे लाइन लगाई थी तो तकरीबन 12:30-1 बजे लाइन अभी हमारी बारी आ गई पानी की। अब 3 बजे तक ये पानी ले जाना है, फिर बाद में सोना है, खाना है, फिर सुबह उठ के ड्यूटी जो अपना काम धंधा है वो उस पर जाना है। तो यही हाल पिछले 2 महीने से यहाँ हो रहा है। अगर हम टैंकर भी लेते हैं तो अच्छा पानी नहीं है वो यूज करने के लिए और पीने के लिए, इसलिए ये पानी भरना बहुत जरूरी है। अस्पताल को काफी प्रॉब्लम हो रहा है। बीच में कुछ दिन हमको 2 या 3 दिन शस्त्रक्रिया पूरी जो सर्जरीज रहती है वो बंद करनी पड़ी थी। बाद में जैसे थोड़ा बहुत पानी अवेलेबल हुआ है जब से हमने सर्जरी शुरू की है, फिर भी पेशेंट के लिए पीने का पानी वगैरह नहीं है। पेशेंट को पीने के पानी के लिए बहुत परेशानी हो रही है और पेशेंट्स को लिटरली बॉटल कैरी करने पड़ रहे हैं पानी के लिए। जो वाटर सोर्स मिल रहा है वो वाटर सोर्स से पेशेंट पानी भर रहे हैं। अस्पताल में पहले 10 बोरवेल थे अपने, जो ये सूखे के कारण पूरे सूख गए। अभी अस्पताल में पानी के लिए कोई सोर्स नहीं है। जो महानगर पालिका से टैंकर आता है उतना ही सोर्स अपने पास है, तो वो अभी नहीं है। और एक सर्जरी के लिए अराउंड देखा जाए छोटी सर्जरी रही, माइनर सर्जरी, 1 से 2 हजार लीटर पानी लग जाता है, क्योंकि कपड़े धोने पड़ते हैं, लिनन रहता है वो साफ करना पड़ता है, पेशेंट पूरा बाद में ओटी के बाद जो औजार है वो सब धोने पड़ते हैं, वो पूरा फिर ऑटोक्लेविंग के लिए लगता है। तो माइनर सर्जरी के लिए 1 से 2 हजार लीटर पानी लगता है और मेजर सर्जरी अगर ली तो 5-6 हजार लीटर पानी भी लग सकता है। अभी फिलहाल सर्जरी हो रही है लेकिन कुछ दिन अगर ऐसी कंडीशन चालू रही तो हमको सर्जरी बंद करने की भी नौबत आ सकती है और इमरजेंसी सर्विसेज चालू रखने पड़ेंगे वो टाइम पे। यहाँ के जो सिविल हॉस्पिटल है, ये डिस्ट्रिक्ट का मेन हॉस्पिटल है, इसको हर रोज 1 लाख लीटर पानी लगता है। यहाँ सिर्फ गरीब ही, ज्यादा से ज्यादा गरीब तबके के लोग आते हैं। एक ऑपरेशन के लिए कम से कम 3-4 हजार, पहले ऑपरेशन के पहले और बाद में 3-4 हजार लीटर पानी ये लिया जाता है। मगर डॉक्टर अभी ये सब रेफर कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, मगर ये गरीब लोगों का बहुत बुरा हाल हो रहा है। इसकी वजह से अभी भी 50% पेशेंट जो बाहर जा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, 50% जो भी यहाँ ऑपरेटिव के लिए पेशेंट आते हैं वो उनको रेफर इधर के डॉक्टर सिर्फ पानी की किल्लत से वो बाहर भेज देते हैं, मगर उनका पेइंग कैपेसिटी नहीं होने की वजह से वो भी अभी बुरा हाल सहन कर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में लोग पहाड़ों में जाकर बूंद बूंद पानी इकट्ठा कर अपने सूखे कंठों की प्यास बुझा रहे हैं। लोग पानी के लिए रात में निकलते हैं और सुबह लौटते हैं। महिला और बच्चों को भी पानी के लिए जूझना पड़ रहा है। नीचे ढलाई पे जाते हैं, हमें 5 घंटा लगते हैं पानी, बूंद बूंद हम पानी ढोते हैं, फिर पहाड़ में ले जाते हैं। अच्छा, कैसे भरते हो आप पानी? बस बूंदा बूंदा चूता है वो पहाड़ के ककड़े से काम, तो उससे भरते हैं काम जो, बस वही हमारा काम धंधा है पानी। ना हम काम वाम काज को, ना पढ़ाई लिखाई कोई नहीं, हमारे बच्चे कर पाते, दिन भर पानी का हमारा धंधा है। छतरपुर से लगे बुंदेलखंड के ही टीकमगढ़ जिले में जल संकट का आलम यह है कि यहाँ पुलिस के साये में पानी बट रहा है। ये कस्बा काफी बड़ा है, यहाँ पे पानी का बहुत अभाव, सूख सभी हैंडपंप एवं तालाब कुआ सूख चुके हैं। यहाँ पानी का थाने पे भी बड़ा अभाव था। ड्यूटी लगी है पुलिस वालों की, जो लड़ाई वगैरह ना हो, इसलिए हम बर्तन रखा देते हैं, सबको बाहर कर देते हैं और पानी हमारे पुलिस वाले भर देते हैं, फिर वो अपने भी बर्तन उठा ले जाते हैं। इस साल तो पानी के लिए जो घर में भी बोर लगे वो सारे सूख गए, जो भी 2-4 वो गवर्नमेंट लगे थे वो भी बिल्कुल पूरी तरह सूख चुके हैं। कर्नाटक के तुमकुर जिले में बढ़ते जल संकट और सूखे से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी हैं। नारियल के लिए मशहूर तुमकुर में
न तो पीने का पानी उपलब्ध है, न ही पशुओं को खिलाने के लिए चारा। लोगों को पानी के लिए 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। अभी तो यह गर्मी की शुरुआत भर है, जैसे जैसे सूरज आग उगलेगा जल संकट और बढ़ेगा ही। इसके साथ ही बढ़ेंगी लोगों की मुश्किलें, क्योंकि बिन पानी सब सून। कवि श्याम सुंदर अग्रवाल ने पानी के संकट पर कुछ इस तरह चेताया है, सदा हमें समझाए नानी, नहीं व्यर्थ बहाओ पानी, हुआ समाप्त अगर धरा से, मिट जाएगी ये जिंदगानी, नहीं उगेगा दाना दुन का, हो जाएंगे खेत वीरान, उपजाऊ जो लगती धरती, बन जाएगी रेगिस्तान।